हेलो। हेलो। हाँ भाई, क्या चाल है? बस बस ठीक है भाई, तू बता कैसा मजा में। और बता क्या कर रहा है? है। बस कुछ नहीं यार, वो बता कोई कोइन वोइन बता, और कॉइन बताऊं? जिसमें हाँ लगा दे पैसे वैसे थोड़े बहुत। कॉइन तेरे को बताया था, एक कॉइन और है। अच्छा कॉइन है वो भी, बिटमार्ट हाँ बता कौन सा कोइन है। अच्छा पे सर्च कर, लवली इनो नाम से एक टोकन है। लवली इनू के नाम से। हाँ, लवली इनो के नाम से एक कॉइन है। अच्छा कॉइन है फिलहाल वो। कैसा कोई? अच्छा अच्छा है, मतलब रिटर्न विटर्न अच्छा दे सकता है फ्यूचर में। हाँ, रिटर्न रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अभी फिलहाल क्या है उस टोकन की, मतलब सबसे अच्छी बात यह है, जैसे तू अभी फिलहाल ले रहा है ना, तो उस टोकन में मतलब अभी उसके आगे 7 जीरो लगी हुई है। 7 जीरो अच्छा। उस टोकन के आगे 7 जीरो लगी हुई है। और फिलहाल ये टोकन है ना, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखा के और वापस उसी स्टेज पे आ गया है जिस स्टेज पे अपने इसने शुरुआत करी थी ना, उसी स्टेज पे वापस आ गया। मतलब उसी प्राइस पे वापस आ गया है ये टोकन फिलहाल। मतलब कॉइन अच्छा। अच्छा है, बहुत अच्छा कॉइन है अभी फिलहाल लेने के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात बताऊं इस टोकन की क्या है, सबसे अच्छी बात है जो इसकी सप्लाई है ना, अभी देख सप्लाई शुरू में इसकी सप्लाई थी 100 ट्रिलियन सप्लाई थी इसकी। तो इन लोगों ने क्या करा, धीरे 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 5-5 ट्रिलियन टोकन है ना ये बर्न करते गए, और अब फिलहाल है ना इसकी 60 ट्रिलियन, 60 ट्रिलियन इसकी सप्लाई है फिलहाल इसकी। तो मतलब जैसे ही अच्छा। करते हैं, हाँ जैसे ही ये टोकन बर्न करते हैं ना, वैसे इसके रेट क्या अप हो जाते हैं। हाँ मतलब देख कोइन तो अच्छा है। और दूसरी इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है टोकन की कि इसकी जो टीम है, जो इसकी कम्युनिटी है, वो बहुत अच्छी कम्युनिटी है। और इंडियन टोकन है ये वाला लवली इनो। और इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको, इनका मेन मोटिव है कि जो मेरे सामने 7 जीरो लगी हुई है लवली इनो टोकन के सामने, वो 7 के 7 जीरो हटाने का प्लान है इनका। अब तू सोच ले, अच्छा। अगर 7 जीरो की तो बात बहुत दूर की बात है, पॉसिबिलिटी कम नजर आती है 7 जीरो की तो, पर अगर भाई ये 2 जीरो भी हटा लेती है ना, तो तेरे को अच्छा इतना ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा अब तो इसके बाद 7 जीरो लगी हुई है अभी। हाँ अभी 7 जीरो लगी हुई है अभी इसके आगे, अभी इसके प्राइस चल रहे हैं। देख मैं तेरे को बताऊं, 7 जीरो लगी हुई है, 0.70 आज के आगे लगी हुई है, उसके बाद है 8895, ये चल रहा है अभी फिलहाल इसका अच्छा रेट। अच्छा हाँ तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसमें? इन्वेस्टमेंट कर ले भाई, तेरे हिसाब से कितना क्या पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा बता। नहीं कितना? 2,000, 4,000, 10,000, कितना करना चाहिए? तो देख इसमें अगर तू $100 भी इन्वेस्टमेंट करता है इसमें, तो तेरे पास कॉइन अच्छा भाई इतने कॉइन आ जाएंगे, तेरे पास बहुत कॉइन आ जाएंगे इसके लवली इनो के। मतलब मान अच्छा ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट में टोकन आ जाएंगे तेरे पास इसके, अगर तू इसमें अच्छा 100 डॉलर इन्वेस्ट करता है। $100 कितने हो गए, 8,500 रुपए के हो गए यार। ठीक है, इसमें एक काम कर, 15,000 रुपए लगा ले इसमें, लगा के पर भूल जाना इस टोकन को बिल्कुल भी। ठीक है। तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन उसमें अभी यार इस रेट पे मिल रहा है, लोगों ने पता नहीं किस किस रेट पे खरीदा हुआ है यार इसने। इसने अपनी 2 जीरो हटा रखी है पहले भी अच्छा इसने, हाँ कब अगस्त में डाई थी इसने 2 जीरो अपनी, अगस्त 2022 में। अब देख अच्छा ले 6 महीने पुरानी बात है, 6 महीने पहले इसने अपनी 2 जीरो हटा ली थी। पहले इसकी 8 जीरो थी, फिर इसने 2 जीरो हटा ली थी, अभी फिलहाल इसके आगे 7 जीरो लगी हुई है। अच्छा हाँ टोकन ने लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रखा है, और अभी फिलहाल ये प्रॉफिट देने के लिए खड़ा हुआ है कि मेरे को परचेज करें। तो भाई ये बहुत अच्छा टाइम है, देख ले कुछ रिसर्च करके ही लेना इस टोकन के बारे में। बाकी जैसे इस टोकन के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ ले, मैं बता दूंगा तेरे को जो भी इसके बारे में पूछना है, कि मैंने ले रखा है ये टोकन। अच्छा नहीं फ्यूचर में मतलब अगर रिटर्न अच्छा दे रहा है तो फिर तो लगा देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। 15,000 नहीं, रिटर्न रिटर्न तो तो अच्छा भाई, फिर। रिटर्न रिटर्न के लिए तू बेफिक्र है, रिटर्न बहुत अच्छा है, रिटर्न में कोई दिक्कत अच्छा नहीं है। बस वही है थोड़ा सा तेरे को होल्ड करके रहना पड़ेगा, ये नहीं तेरे को 2-3 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ तूने इसको बेच दिया, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। नहीं, हाँ और बता। बस और तो ठीक है। नहीं मैं इसे देख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं भी रिसर्च कर लेता हूँ इस पे, और नहीं फिर नहीं एक एक बार बार इसे देखता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तू एक बार इसको बिटमार्ट से ले लेना, इसको बिटमार्ट पे मिल जाएगा। बिटमार्ट से वजीरेक्स के थ्रू पैसे भेजे जाएंगे इसके, वजीरेक्स से बिटमार्ट ठीक में है ठीक कैसे भेजे पैसे पैसे भेजेगा, और वजीरेक्स से कैसे पैसे भेजेगा उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे, तो उस पर देख लेना तू एक बार कैसे क्या पैसे भेजते हैं। चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया होगा ना तूने? है। हाँ चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, एस आर क्रिप्टो न्यूज ना। हाँ, SR क्रिप्टो न्यूज चैनल है। ठीक है ठीक तू है देख ले एक बार वहां से वजीरेक्स पे कैसे पैसे भेजेगा, वजीरेक्स पे पैसे भेजने के बाद उसको बिटमार्ट पे ट्रांसफर कर लेना, फिर वहां से ले लेना इस टोकन को।
देख मैंने इस टोकन को है ना भाई अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर रखा है। देख मतलब ये तीन चार टोकन है जो मेरी फेवरेट लिस्ट में है, वो सबसे ऊपर जिस टोकन का नाम आता है ना वो लवली इनो टोकन है। अच्छा हाँ तू देख ले कितनी बड़ी बात है इस टोकन की। और एक अच्छी बात ये भी है कि ये इंडियन टोकन है भाई। नहीं, मैं कर लेता हूँ इसको एक बार ना, मैं ना ना तू एक बार ऐड इसके कर बारे में लेता देख ले, ऐड करके इसको परचेज कर ले, हो सके तो इसको आज ही परचेज कर ले, ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि मार्केट है ना फिलहाल ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है। हूँ। अच्छा, हाँ तो इसको तो अभी परचेज कर ले। हाँ ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ एक बार सारा। और अगर कुछ भी पूछना हो तो बता दूंगा मैं इस टोकन के बारे में, कोई मतलब ज्यादा वो नहीं है पर मतलब अच्छा टोकन है ये देख ले तो। और इसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है। हाँ सप्लाई में तो पता नहीं, गाउन को मैं इसे 60 ट्रिलियन देख लेता सप्लाई है इसकी, और ये अपने टोकन है ना बर्न करता रहता है, जैसे ही हूँ। सप्लाई अच्छा बढ़ अच्छा सप्लाई इसकी कम होती है डिमांड बढ़ जाती है इसकी, और टोकन के रेट भी अप हो जाते हैं। अच्छा ये बात है भाई। नहीं, मैं परचेज कर लेता हूँ तो अगर अच्छा को है ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र होके तू आराम से परचेज कर सकता है टोकन को। ना, मैं देख लेता हूँ चौकन को एक बार ना। और मजा में और बता, कोई नहीं मजे में और कोई अपडेट आए तो नहीं बताना फिर इस के बारे में, या कैसा कुछ भी ये अपडेट आए तो एक वाला बार। टोकन तो ले तू, फिर कुछ अपडेट आएगी तो बताऊंगा तेरे को। ठीक है मैं इसे परचेज कर लेता हूँ, अब बिटमार्क ये से सोच परचेज ले करना है मतलब ये ना। सोच ले मतलब तेरे को है ना बहुत अच्छा टाइम है, मतलब पीक टाइम जिसको कहते हैं ना वो पीक टाइम है टोकन को अभी परचेज करने का। अच्छा, हाँ मतलब पीक टाइम है टोकन को परचेज करने का तो अभी नहीं, फिलहाल। मैं परचेज कर लेता हूँ एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मजा में हाँ बढ़िया भाई, सब ठीक है। ठीक चल ठीक है फिर है ना। है ठीक है।